जय माता दी फ्रेंड्स, आज है नवरात्रि का 7th डे। फिर से आप लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज पूजा में बहुत सारे फूल थे और उसको मैं अभी सजाऊंगी। माता रानी को गंगा जल से थोड़ा पोछा लगा के इस तरह सभी फोटो जो है पूजा घर में मैं रखी हूँ। फूल सजाना बाकी था, फूल बहुत सारे हैं और बेलपत्ता है, उसको मैं अच्छे से सजा लूँगी। और जैसे सभी दिन मैं पूजा करती हूँ ऐसे ही है, इसीलिए थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और इस तरह अभी जो फूल था मैं सजा चुकी हूँ और प्रसाद में 7वां दिन में नवरात्रि का जो 7th डे है गुड़ वाला प्रसाद लगता है, गुड़ थोड़ा सा रखी हूँ और गुड़ वाला पीठा भी रखी हूँ। और दीप भी अच्छे से मेरा जल रहा है और जौ जो है वो अच्छे से ग्रो भी किया है, जितना आया था वो अच्छे से ग्रो कर रहा है। और 2 दिन बाकी है पूजा, माता रानी घर में पूजा हो तो बहुत अच्छा लगता है, घर में एक पॉजिटिविटी आता है, बच्चे भी बहुत खुश है और जो खाना बन रहा है वो बिना प्याज लहसुन वाला बच्चे इससे एडजस्ट कर लेते हैं, ये सब माता रानी की कृपा है। और जैसे हर दिन पूजा होता है धूप दीप आरती वो सब भी मैं आज भी की हूँ और ये डेली का पूजा रूटीन है मेरा, नवरात्रि के बीच का है इसीलिए 7th डे का भी दिखाई हूँ। और अभी प्रसाद समर्पण कर रही हूँ, घर में जो पूजा होता है उसके लिए अलग से प्रसाद रखी हूँ, माता रानी के लिए अलग से प्रसाद रखी हूँ, कलश को पहले प्रसाद दे दी हूँ उसके बाद माता रानी का प्रसाद समर्पण करके जो किताब में थोड़ा मंत्र स्त्रोत है वो भी मैं पढ़ लेती हूँ। आज घर में बेटी का छुट्टी था कोचिंग वो भी है, वो भी पूजा में आज थोड़ा टाइम दिया और अच्छे से वो माँ के सामने थोड़ा बैठ के पूजा की। और ऐसे ही पूजा के बाद हम माँ बेटी दोनों आज बहुत काम में बिजी थे, थोड़ा कुकिंग कर लिए, बच्चे खा लिए और मैं तो प्रसाद वगैरह खाती हूँ और काम थोड़ा ज़्यादा था, धूप आया था और बहुत सारे मैं साड़ी धूप दी हूँ और कपड़ा भी साफ़ करके सुखाई हूँ, 2-3 साड़ी भी मेरा साफ़ करके बाहर आप लोग देख पा रहे होंगे खिड़की के बाहर कितना तेज़ धूप है, सुखाने के लिए बहुत सारे हैं और जब सूख जाएगा उसको ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए भी वो एक बहुत बड़ा काम होता है, पर आज एक एक्स्ट्रा काम मैं लगा ली हूँ। मेरा जो साड़ी है मैं पहनने के लिए जो सोच रही हूँ वो थोड़ा इधर उधर है, अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं है, ब्लाउज ठीक से मुझे नहीं मिल रहा है। और जो मैं अभी नवरात्र में पहन रही हूँ आप लोग देख चुके हैं और कुछ पहनने के लिए है, बाकी मैं उसको अलग से निकाल के रख रही हूँ। और दिवाली आ रहे हैं, फेस्टिव सीजन भी है हमारे, तो उनके लिए मैं साड़ी निकाल के ये कपबोर्ड में अलग से रख रही हूँ। और ये जो काम में बेटी मेरा हेल्प भी कर रही है और ये जो साड़ी में ये निकाल के रखने के लिए मुझे अच्छा रहेगा क्योंकि मैं जब चाहूँगी पहन सकूँगी और अच्छे से मुझे ब्लाउज भी मैचिंग मिल जाएगा, इसीलिए मैं निकाल के रख ली हूँ। जो जगह में था वो ऐसे ही फैला पड़ा था, कुछ सेटिंग नहीं हुआ था और कुछ पुराने साड़ी भी मेरा है, हेवी थोड़ा साड़ी हेवी पहनने के लिए हेवी है और थोड़ा ज़्यादा फैंसी वर्क भी है, इसीलिए मैं उसको अलग से रखी हूँ। और अभी जो दिखाई हूँ ये थोड़ा इतना मेरा सेटिंग हुआ है और कुछ ज़्यादा अलग से चीज़ है वो बेटी उसको सेट कर रही है और जो मैं पहन के पूजा की थी वो इस तरह है, धूप दे के रखी हूँ, फोल्ड करके रखना है, बहुत सारी मेरा साफ़ करके रखी हूँ, आयरन भी नहीं हुआ है, ऐसे काम भी बढ़ गया है। और बाहर में आप लोग देख सकते हैं कितना सारा चीज़ मेरा सूख रहा है। घर का काम अभी थोड़ा जो फेस्टिव सीजन में काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, यूट्यूब का काम होता है और ये जो अलमीरा में साड़ी है आप लोगों को बोल रही थी ये मेरे शादी के टाइम की बहुत साड़ी है जो अभी थोड़ा कुछ ओकेजन में हम पहन सकते हैं, ये बहुत हेवी है, काम भी ज़्यादा हुआ है, कुछ फैंसी वर्क भी है
और इसलिए मैं पूजा के टाइम पहन लो तो फ्री में हम पूजा नहीं कर पाते हैं। मुझे ज़्यादा गर्मी होता है और कुछ स्किन में कुछ जो ज़्यादा फैंसी वर्क है वो लग जाए तो खिचखिचा सा लगता है कुछ, मैं इसीलिए नहीं पहनती हूँ। ये बहुत अच्छे साड़ी है, तो ऐसे तो है जो साड़ी में निकाल के कपबोर्ड में रखी है वो थोड़ा लाइट वेट है और पूजा के लिए पहन लो तो अच्छा होता है। ये देखिए हमारे यहाँ का ये हैंडलूम साड़ी बोलते हैं, बहुत अच्छा ये होता है हमारे उड़ीसा का साड़ी। और एक दो भी मेरे पास है पर मैं उसको ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, कभी कभार मैं जब पहनती हूँ आप लोगों के साथ शेयर नहीं की हूँ। आप लोग बोलोगे कमेंट में तो मैं मेरा जो साड़ी का कलेक्शन भी दिखा दूँगी, पर अभी तो इतना फैला है मैं उसको सेट करने के लिए मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। आज इतना मेरा सेट हुआ है, अभी बहुत जो एक्स्ट्रा इस तरह है मैं अलग से सेट करके रखूँगी। इस तरह जो रखी हूँ नीचे मेरा कुर्ती लेगिंग्स प्लाजो ये सब है और बास्केट में मेरा कुछ चुनरी है और इनर है, ये इस तरह एक कपबोर्ड को सेटिंग कर ली हूँ। और ये होने के बाद जो क्लॉथ स्टैंड है वो क्लॉथ स्टैंड में भी मेरा बहुत कॉटन साड़ी है, प्योर कॉटन साड़ी, उसको भी मैं कभी कभार पहनती हूँ। देखिए ये जो चीज़ है ना साड़ी ड्रेसेस ये सब हम सेटिंग करके रख लें तो जल्दी में जब काम करते हैं हमको मिल जाता है, हम अच्छे से पहन सकते हैं। ये जो एक्स्ट्रा कॉटन साड़ी मैं अभी यहाँ पे रखी हूँ, तो फ्रेंड्स ये जो ब्लॉग है इस तरह का आज है, ये साड़ी का ऑर्गेनाइजेशन और पूजा कुछ आप लोगों को दिखाई हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लीजिए। तो फिर मिलूँगी और एक अच्छा सा नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। प्लीज़ फ्रेंड्स स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय माता दी।